हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सैम स्टडी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हीरो इंडियन सुपर लीग के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईएफएफ का फुल फॉर्म क्या है इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसडीएल का फुल फॉर्म क्या है इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस कर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ आई के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे आई जो कि ऑल सीजन चैम्पियंस और रनर रनर्स के बारे में और कौन से कौन से ओनर किस किस एफ सी जो कि फुटबॉल क्लब को खरीदा है इनके बारे में हम एक डिटेल से स्टडी करेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो में हम जानेंगे आई का शुरुआत कब किया गया था और इसके चेयरपर्सन कौन है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि ग्रीन टैक्स के ऊपर है ग्रीन टैक्स के ऊपर है इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं चलिए बात करते हैं पहले स्लाइड पर क्या डिस्कस किया गया है चले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ आईएसएल के बारे में द इंडियन सुपर लीग इज ए प्रोफेशनल फुटबॉल लीग तो ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल है कौन आईएसएल इंडियन सुपर लीग इट इज ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसको हम एआईएफएफ कहते हैं तो एआईएफएफ का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग को एंड दे आर कमर्शियल पार्टनर यानी कि जो ए आई एफ एफ का कमर्शियल पार्टनर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट यानी कि एफ एस डी एल ए आई एफ एफ का कमर्शियल पार्टनर है तो इन सारे पॉइंट का आपको याद रखना है ए आई एफ एफ स्टैंड फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और एफ एस एफ एस डी एल का फुलफॉर्म फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होता है और आई एस एल एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जो कि हर साल इंडिया में खेला जाता है और ये जो कि नवंबर से मार्च के बीच ये हर साल खेला जाता है चले जानते हैं और कुछ इंपोर्टेंट हिस्ट्री अवार्ड आई के बारे में इंडियन सुपर लीग क्लब्स सीज़न। यानी कि हर सीजन में ग्यारह क्लब खेलते हैं इंडियन सुपर लीग में द लीग जनरली रनिंग फ्रॉम नवंबर टू मार्च जो हम पहले बता चुके हैं तो ये जो इंडियन सुपर लीग खेला जाता है हर साल नवंबर से मार्च के बीच यानी कि नवंबर से मार्च महीने में खेला जाता है ईच क्लब विल प्ले 20 गेम्स अगेंस्ट द अदर इन अ राउंड रॉबिन स्टाइल यानी कि राउंड रॉबिन स्टाइल में हर एक क्लब हर एक टीम के साथ दो-दो मैच खेलते हैं यानी कि टोटल 20 गेम खेलती है राउंड रॉबिन स्टाइल में तो इन सारे पॉइंट आपको याद रखना है इंडियन सुपर लीग में 11 क्लब खेलते हैं ये नवंबर से मार्च के बीच ये जो आईएसएल होता है और प्रत्येक क्लब 20 गेम खेलते हैं टोटल जो कि आईएसएल में चले जानते हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट इंडियन सुपर लीग के बारे में द लीग वॉज स्टार्टेड इन टू यानी कि इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो 21 अक्टूबर 2013 है और इसका जो मैच शुरुआत किया गया था सितंबर 2014 को तो दो हजार उन्नीस तीन बार एटीके इस चैंपियनशिप को जीत चुका है सात साल के अंदर फेरान साहिरो मिनास जो की टॉप गोल स्कोर है आई एस एल के लगभग अड़तालीस अड़तालीस गोल कर चुके हैं जो कि फरहान है तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है मोस्ट विनिंग चैंपियन टीम कौन है एटीके जिसको हम क्या कहते हैं एथलेटिको डी कोलकाता चले जानते हैं कौन से कौन से फुटबॉल क्लब किन किन सालों में आईएसएल जो चैंपियनशिप जीता है तो एटीके जो कि एथलेटिको डी कोलकाता यानी कि एटीके जो कि तीन बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है कौन से कौन से साल पर दो 14 2015-16 और 2019 हजार -20, यानी कि जो पिछले यानी कि प्रीवियस जो चैंपियनशिप था एटीके ने जीता है इस चैंपियनशिप को तो चेन्नई एफसी यानी कि चेन्नईयन एफसी दो बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है 2014-15 और 2017-18 को चेन्नई एफसी जो कि आईएसएल का चैंपियन हुआ था टाइटल वंस इन दर 2018 थाउजेंड एंड यानी कि 2018-19 में बेंगालुरु एफ ने आई एस के चैम्पियन हुआ था तो बेंगलुरु के जो ओनर हैं वो जे एस डब्ल्यू सीमेंट है और चेन्नई के एम एस धोनी है ओनर, और ए के जो कि कोलकाता यानी कि सौरव गंगुली जी इसके जो कि ओनर हैं चलिए डिस्कस करते हैं रनर्स अप लिस्ट ऑफ आई के बारे में केरला ब्लास्टर्स टू टाइम्स यानी कि केरला ब्लास्टर ने दो बार रनर्सअप हुआ है जो कि 2013-14 में और 2015-16 में और गोवा एफ ने भी दो बार रनर्सअप हुआ है जो कि 2014-15 और 2018-19 को बेंगलुरु ने सिर्फ एक बार जो कि 2017-18 में और चेन्नई एन एफ यानी कि चेन्नई एफ जो कि 2019-20 यानी कि जो प्रीवियस चैंपियनशिप था उसमें रनर्सअप था चेन्नई एफ तो केरला वस्टर के जो ओनर हैं वो चिरंजीवी और जो अकने नागार्जुना हैं और गोवा एफ के मालिक जो कि विराट कोहली हैं बेंगालुरु एफ एफसी के जो ओनर हैं वो जेस्ट डब्ल्यू सीमेंट और चेन्नई एन एफ के महेंद्र सिंह धोनी हैं ओनर तो इन सारे पॉइंट का आपको याद रखना है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और एक बात आपको याद रखना है कि आईएसएल जो कि इंडियन सुपर लीग के चेयरपर्सन नीता अम्बानी जी हैं इनके नाम आपको याद रखना ही है आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन पर वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखें इसके कारण हमारे नए नए वीडियो जो आएंगे आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएंगे हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जो कि कूआ आपके ऊपर होने वाला है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत